गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम बैक टू अवर पार्ट टू ऑफ द सेम चैप्टर, गुड आफ्टरनून क्लास फिफ्थ. सो एज यू ऑल नो दैट इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव कम्प्लीटेड अप टू ब्रेन. ओके, ब्रेन तक हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं. नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. एज यू ऑल नो दैट इन अवर लाइव क्लासेज ऑल्सो वी हैव कम्प्लीटेड द टॉपिक, बट आई एम गिविंग यू द वीडियो क्लास ऑफ द सेम टॉपिक. दैट वुड बी ईजी फॉर यू ऑल to understand if you have forget something. Okay, so we are going to discuss the spinal cord in today's video class. So listen carefully everyone, take out your book along with your pencil, each and everything. We are going to discuss from the page number 22 the topic spinal cord. Again I am saying ki book bhi nikal lo, pencil bhi nikal lo, we are going to discuss. Okay, so spinal cord, as you can see the diagram where the spinal cord is there and how it is connected to the brain with the medulla oblongata. So now the spinal cord is a bundle of nerves that connects the brain with the other parts of the body. It starts from the medulla oblongata and continues down to the lower end of the backbone. So spinal cord is a connection of nerves. Yes, जितने भी हमारे बॉडी में नर्व्स हैं दैट वर कलेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड. बंडल ऑफ नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं. स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू मेडुला ऑब्लॉन्गेटा. मेडुला ऑब्लॉन्गेटा इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन. ओके, एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय अवर बैकबोन, अवर वर्टिबल कॉलम, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 1. सॉरी. It is responsible for transmitting information to and from the brain to the rest of the body. The spinal cord is enclosed and protected by a structure of bones called the vertebral column. देखो अब spinal cord क्या करता है, जितने भी information होता है हमारी body से उसको brain तक लेके जाता है, and brain से जो information हमारी body parts को देना रहता है उसको लाके वापस हमारे body parts में पहुँचाता है, transmission करता है, लेके जाना signals को, signals को वापस लेकर आना from the brain. ओके, एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिबल कॉलम विच इज प्रेजेंट इन अवर बैक साइड. अब हम लोग के बैक बोन्स में जो वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है उसको प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को. ओके एवरीवन, नाउ व्हाट इज नर्व्स? नर्व्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स. एज वी हैव डिस्कस दिस इन प्रीवियस क्लास, नर्व्स क्या है, नर्व सेल्स क्या है, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ सेवरल न्यूरॉन्स. ओके, द डीप ब्रांच out every part of the body to form a large network. They transmit messages from one part of the body to and from the brain. There are three types of nerves, each of them perform specific functions. So हमारी body में ये जो nerves हैं वो transmission का काम करते हैं, signals जो भी information रहता है उसको transmit करते हैं from the body part to the brain, and brain से कहाँ तक लेके आते हैं उसको हमारे body parts में. ठीक है, और सारे नर्व्स अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ देयर ओन. सो अकॉर्डिंग टू डेथ नर्व्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स. ठीक है, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स, तीन अलग अलग उसके मेन पार्ट्स होते हैं नर्व्स के. तो वन बाई वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स नर्व्स इन डिटेल. सो फर्स्ट वन इज द सेंसरी नर्व्स. सेंसरी नर्व्स क्या करता है, दे ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द ऑल द सेंस ऑर्गन लाइक अवर आईज, ईयर्स, नोज, ओके, टंग, स्किन, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनको वहाँ से सिग्नल रिसीव करता है, एंड दे विल go to the brain, the signal goes to the brain through the sensory nerves, brain उसको record करता है and it will gives reflect back answer to the sense organ कि yes you are seeing this thing, you are listening, you are tasting, you are smelling, हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, taste कर रहे हैं, हमारे skin को कुछ touch कर रहा है. These all signals जो sense organ signals collect करते हैं वो कहाँ तक जाता है, ब्रेन, और ब्रेन उसको वापस लेके आता है. तो ये सारी चीज़ों को कौन करता है बीच में, कौन सा नर्व्स, सेंसरी नर्व्स. ओके, दिस वाज द सेंसरी नर्व्स. नाउ कम टू द मोटर नर्व. मोटर नर्व्स, अब मोटर नर्व्स क्या करते हैं, मोटर नर्व्स हेल्प्स टू ब्रेन टू कंट्रोल आवर मसल्स. हमारे मसल्स में जो भी एक्शंस होते हैं, व्हाट आर द वॉलंटरी एक्शंस टेकन प्लेस इन आवर मसल्स दैट वी आर कंट्रोल्ड बाय मोटर नर्व्स, लाइक वी आर वॉकिंग, अवर स्पेंडिंग ऑफ मसल्स, स्ट्रेचिंग,
bending, walking, running, whatever the muscles activity we are going on, they were controlled by the motor nerves. जो भी signals होते हैं उसको muscles में हमारे उसको motor nerves collect करता है और brain तक लेके जाता है और brain फिर reflect back करता है उस action को कि हमारे motor nerves को बोलता है कि तुम हाथ के पास हमारे hands के पास legs के पास ये signals को लेके जाओ कि उसको ये चीज़ करनी है. So all the muscles actions were controlled by the motor nerves. Okay everyone, now come to the mixed nerve. अब mixed nerve में कौन आता है? Sensory nerves और motor nerves दोनों आते हैं. कैसे? जैसे मान लो हमको एक mosquito बाइट किया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा skin work किया, sensory nerves, brain के पास signal गया कि mosquito bite कर रहा, और brain motor nerves को action देता है कि तुम उसको वहाँ से हटाओ. तो हमारा हाथ वर्क करता है उसको हटाने के लिए, तो यहाँ पे दोनों नर्व्स काम कर रहे हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स दोनों. दैट्स व्हाई दिस नर्व्स इज सेट टू बी एज मिक्स्ड नर्व्स. ओके, सो द नर्वस सिस्टम इज वेरी इफेक्टिव एंड कंट्रोल्स अवर बॉडीज एक्शन एंड दिस दैट्स व्हाई दिस इज सेट टू बी एज द यू कैन से ये जो नर्व्स होते हैं ये कहलाते हैं हमारी बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स में आते हैं. अवर नर्वस सिस्टम, हमारा जो बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है दैट इज़ नर्वस सिस्टम, बिकॉज ईच एंड एवरी एक्शंस ऑफ अवर बॉडी वेदर दे आर एक्सटर्नल और इंटरनल दैट वेर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम पूरे एक्शंस को ब्रेन तक लेके जाता है और ब्रेन उसका रिफ्लेक्ट बैक करता है. इफ़ अवर नर्वस सिस्टम डजेंट वर्क, अवर बॉडी विल डजेंट रिस्पॉन्ड, हमारा ब्रेन भी वर्क नहीं कर सकता बिकॉज ऑल द सिग्नल्स वेयर कलेक्टेड बाय द नर्व्स. ठीक है, इसमें एक और होता है रिफ्लेक्स एक्शन. जैसे कि हम लोग का हाथ या पैर किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट्स में जाके लग जाता है, सो आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स क्विकली. ओके, हमारा बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, वेरी क्विक रिएक्शन फ्रॉम अवर बॉडी पार्ट्स, दैट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, द सिग्नल डजंट रीच टू द ब्रेन, ब्रेन तक नहीं जाता. ब्रेन तक जाने पे उसको वापस उसको वर्क करने पे तब तक तो हमारा हाथ कट जाएगा अगर किसी सांप चीज़ पे रखा है तो इसमें क्या होता है, इस चीज़ को रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करके रखता है. जैसे ही हमारा हाथ किसी शार्प चीज़ पे लगा तो ये सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड तुरंत एक्शन करता है कि तुमको वहाँ से वो अपने हाथ को हटाना है, तो हम अपने हाथ को हटा लेते हैं. सो द ऑटोमेटिक क्विक रिएक्शन टेकन प्लेस, दिस इज सेट टू बी एज रिफ्लेक्स एक्शन. तुरंत हमारा हाथ काम कर रहा है, तुरंत हम अपने पैर को हटा ले रहे हैं, हाथ को हटा ले रहे हैं, दैट्स वाई इट इज सेट टू बी एज रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, सो इन टूडेज क्लास इटसेल्फ आई विल टोल्ड यू दैट अबाउट जेलीफिश. जेलीफिश इज वन ऑफ द ऑर्गेनिज्म दोज डू डोंट हैव ब्रेन. उनका टेंटिकल्स होता है, उसमें उनके नर्व्स होते हैं, ठीक है, उनका स्पाइनल कॉर्ड, उनके नर्व्स ही सारा वर्क करते हैं. एंड लेटेस्ट ट्राई इज ऑल्सो कम्प्लीटेड. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, जस्ट राइट डाउन इन योर book. True or false? The spinal cord is a bundle of nerves. That is true. The spinal cord is a bundle of nerves. Second, sensory nerves receives message from muscles. False. Sensory nerves receives message from sense organ. Say third, withdrawing your hand immediately after touching a pointed object is an example of reflex action. True. It is an example of reflex action. D. Our sense organs are controlled by the cerebellum. False. It is controlled by the cerebrum. E. The space between the skull and the brain is filled up with the fluid. Yes. True. It is filled with the fluid which controls, which protects our brain from internal injuries. Okay. So, we have completed. Let us try also. So, students, the two questions were given in your book. Question number 2, which part of the brain controls our involuntary action? Cerebrum controls the involuntary actions. And what is nerves? Nerves are thread-like structure made up of neurons or nerve cells. So, today I have given you the PDF in the class group. From there, you can write the answers. Okay? And you have to draw the diagram of eye also with them. Now students, we are going to discuss in today's class also, we have already discussed in the live classes the sense organ. In the video class again, we are going to discuss the sense organs. So what are sense organ? We are going to discuss. Turn the page, student. So open all of you page number 24. So the sense organs. So here you can see the different types of sense organ are there, like our eyes, ear, skin, hand. Taste, tongue and nose.
So these are the sense organ which perform the different activity in our body. From our eyes we can see, from our ear we can hear, from our hand or you can skin we touch, and from our tongue we taste the food which we eat, and from the nose we smell. Okay, so sense organs are specialized organs that gather information from the surroundings and send it to the sensory nerves to the brain. The brain interprets the information received from the sense organs and reacts accordingly. The sense organs help us to see, smell, taste, hear and touch. As I told you in the live classes, जो हमारे sense organs हैं वो क्या करते हैं, collectively they collect the information. Like हम जो चीज़ देख रहे हैं, smell कर रहे हैं, taste कर रहे हैं, whatever it is, they collect the information, the sensory nerves, and it will goes through the brain. Through the sensory nerve, it will goes through the टू द ब्रेन. अब ब्रेन उसको रिकॉर्ड करता है, मैसेज को इंटरप्रेट करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, फिर हमारे सेंस ऑर्गन को वो सेंसरी नर्व के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक करता है कि हमको अकॉर्डिंगली उसके रिएक्ट करना है. ओके, द सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू सी, हियर, टेस्ट, टच, ईच एंड एवरीथिंग. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज वेयर डन बाय द सेंसरी नर्व्स. ओके, सो फर्स्ट सेंस ऑर्गन वी आर गोइंग टू डिस्कस, that is eyes. ठीक है, the sense organ first we are going to discuss, that is eyes. So you can see the diagram clearly given, red cornea, iris, lens, pupil, retina, optic nerve, these are the different parts of eye. Okay, ठीक है, हम अब different parts देख रहे हैं eye का. अब eye का help, eye क्या करता है, eyes help us to see whatever the things we are seeing with the help of eyes. ठीक है, हम अपने आँख के बदौलत ही उसको देख पाते हैं. Eyes are so much soft and delicate and sensitive organ of our body. They we are safely socket connected to our brain. एक hollow जैसा structure है हमारे skull में, उसमें वो connected है अच्छे से safely, कि eye बहुत ज़्यादा delicate और sensitive organ है, तो वो जो ये connected है उससे बचता है, इंजुरी से बचता है. ओके, हमारे आईज में फ्लूइड प्रेजेंट है जो उसको, हमारे आईज को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. द आईलिड्स एंड द आईब्रोज प्रोटेक्ट्स अवर आईज फ्रॉम द डस्ट. ओके, एंड द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अवर आईज हैव सर्कुलर ट्रांसपेरेंट लेयर, जिसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है. ओके, ट्रांसपेरेंट है वो, कॉर्निया है. द कलर्ड पार्ट इज द आईरिस एंड द ओपनिंग ऑफ एंड द सेंटर जो ओपन है, जो दिखाई देता है, डेट इज पीपल. बिहाइंड द पीपल लेंसेज वी आर प्रेजेंट, जो लाइट है वो लेंस के ऊपर पड़ती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है, दैट्स वाई वी आर एबल टू सी द इमेज एंड द इमेज विल फॉर्म इन टू द रेटिना. ठीक है, हमारा रेटिना है हमारे आइज के पीछे में, एज यू कैन सी द डायग्राम, वहाँ पर रेटिना प्रेजेंट है, वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन होता है. जब इमेज फॉर्मेशन होता है तब हमारे आइज में ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट है, वो ऑप्टिक नर्व्स उस इमेज को सिग्नल्स के थ्रू उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं और उसको कहाँ लेके जाते हैं, ब्रेन के पास. देन ब्रेन रिकॉर्ड कि हमको ये क्या दिख रहा है, ब्रेन उसको रिकॉर्ड करता है कि हाँ यस दिस इज़ अ बुक, और वो उसको अपने पास रिकॉर्ड करके रख लेता है कि वेन एवर वी सी द बुक, वो हमको तुरंत याद आता है कि हम बुक देख रहे हैं, रिकॉर्ड रहता है ब्रेन के पास सारी चीज़ें. ठीक है, जब हमारे आँखों पर लाइट पड़ती है, ठीक है, लाइट गोज टू द लेंस, और लेंस क्या करता है, उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है वापस, बैक रिफ्लेक्ट कर देता है, तब इमेज का फॉर्मेशन होता है. अगर लाइट आर पार चली जाएगी लेंस से, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू नेक्स्ट साइड चली जाएगी, तो हमको इमेज दिखाई नहीं देगा. बट लाइट आर पार नहीं होता, रिफ्लेक्ट हो जाता है, दैट्स वाई वी आर एबल टू सी द इमेज, एंड इमेज विल फॉर्म ऑन द रेटिना, और वो सिग्नल में कन्वर्ट होकर ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू कहाँ जाता है, ब्रेन में जाता है. ब्रेन उसको रिकॉर्ड करके हमको बताता है कि हम क्या देख रहे हैं. ओके, टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन वेरी डीप मैनर, ठीक है, आईज में कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कैसे नहीं होता. अगेन आई एम रिपीटिंग द थिंग्स बाय विच यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट, हाउ द इमेज इज फॉर्म्स एंड वी कैन सी द इमेज. ओके, सो अप टू आईज वी हैव कम्प्लीटेड बेटा, आईज तक कम्प्लीट हो गया है, एंड ईच एंड एवरी थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द आई, एंड दिस डायग्राम यू हैव टू मेक. ओके, इन द आंसर की आई हैव ऑलरेडी मेक द डायग्राम ऑफ आई, यू हैव टू मेक द डायग्राम ऑफ आईज. ठीक है, वेन एवर यू विल प्रिपेयर द आंसर की. ओके स्टूडेंट्स, दैट मच इज़ फॉर टूडेज क्लास. ठीक है, आईज तक हमारा कम्प्लीट हो गया, आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट क्लास में हम ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे.
ठीक है। नेक्स्ट सेंसरी और नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज अवर ईयर्स। ईयर्स का वर्क, ईयर्स का एज यू कैन सी द डायग्राम ऑफ ईयर इज ऑल्सो गिवन। सो डिटेल में हम ईयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। मैं ईयर्स के लिए तुम लोगों को वीडियोस बना के दूंगी और लाइव क्लासेस में हम लोग ईयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ द ईयर्स विल वर्क। ओके, सो अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज़ वीडियो को देखना, अच्छे से सुनना, रिपीट करना। जब वीडियो को देख लोगे तो एक बार रीड करना, अगर रीड नहीं करोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। ओके एवरीवन, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच क्लास।